press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के पिलखुआ में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां रेलवे लाइन पार करते समय 6 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली से चलकर फैजाबाद जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस पिलखुआ में कुछ देर के लिए रुकी थी। इस दौरान कुछ दैनिक यात्री ट्रेन से उतरकर पटरी पार करने लगे, तभी दूसरी तरफ से आ रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चपेट में यह यात्री आ गए। दुर्घटना की सूचना पर डीएम और एसपी सहित अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, शवों का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही हादसे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हादसा पिलखुआ के गांधी फाटक के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ युवक पटरियों के किनारे चल रहे थे, इसी दौरान दिल्ली मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर दिल्ली की ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में 7 युवक आ गए। इनमें से 6 ने अपनी जान गंवा दी। यह भी जानकारी में सामने आया कि सभी युवक रंगाई पुताई का काम करते थे। अभी तक की जांच में यह पता चला है कि युवकों ने कानों में ईयरफोन भी लगा रखे थे।